पीलीभीत पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सरकार की योजनाओं पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी, सीएम योगी और एमपी के सीएम शिवराज को बधाई। तो वहीं उन्होंने कहा कि नदी जोड़ो अभियान के तहत केन बेतवा परियोजना में पीलीभीत की शारदा नदी को सरस्वती के माध्यम से मध्य प्रदेश की केन नदी में जोड़कर जल जीवन मिशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर आप सरकार को घेरते हुए कहा है कि अपराध और भ्रष्टाचार किया है, इसलिए उसका पकड़ा जाना जरूरी था, लेकिन जो नैतिकता की बड़ी बड़ी बातें करते थे वो आज भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर जेल में बंद है। पीलीभीत बहुत सुंदर प्राकृतिक जिला है, जहाँ पर जल जीवन और जंगल तीनों और जानवर सभी कुछ है, लेकिन ये सरप्लस बेसन है हमारी भाषा में, यहाँ पानी बहुत है। तो पहली प्रार्थना तो ये है कि जल जीवन मिशन में पानी की कीमत हमारे पास बहुत ज़्यादा हो तब भी हमें करनी चाहिए। दूसरा, जो सरप्लस आपका पानी है, तो नदी जोड़ो अभियान के जो DPR बने हैं, जो योजनाएं बनी हैं भारत सरकार की, उसमें शारदा का पानी भी सरस्वती के माध्यम से आगे ले जाने की योजना है। और हमेशा अंतर्राज्यीय योजनाओं में राज्यों की सहमति चाहिए। मैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो केन बेतवा का पहला नदी जोड़ो अभियान की शुरुआत हो रही है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी को, माननीय शिवराज जी को जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें बधाई देना जल शक्ति राज्य मंत्री के नाते ज़रूरी समझता हूँ।